ज़ोहर की नमाज़ से स्टार्टिंग है, जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। तो बच्चों के वालिद साहब ले आए मिसवाक, छत पर गए थे वहाँ तो एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो ले आए थे मिसवाक। तो ये जो है नीम की है मिसवाक, बहुत कड़वी है, कर तो लिया, सारा मुंह कड़वा हो गया। बहरहाल तो मिसवाक कर लिया है, इसको खड़ा कर देते हैं और हम चलते हैं वज़ू के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाले रूम में हम आ गए हैं, यहीं पे थोड़ा सुकून मिलता है, नमाज़ पढ़ लेते हैं। दरवाज़ा खुला है, थोड़ा इसको हम बंद कर लें। नमाज पढ़ लें ज़ोहर की, और आप लोगों से सलाम दुआ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी अच्छे हैं, मज़े में हैं। तो जो है नमाज की तैयारी चल रही है, नमाज पढ़ लेते हैं ज़ोहर की, तो तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعلمون إنه عليم بذات الصدور. टाइम हो गया हम लोगों का शाम का पकाने का, कीमा चढ़ा दिया है थोड़ा बहुत, इसका जो है समोसा छान जाएगा। तो इसको प्याज में लाल कर लें तो ढक देते हैं, गल जाए लहसुन अदरक डाल देते हैं। चना चढ़ गया है, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दें, नमक डाल देते हैं, थोड़ा नमक ऐड कर दें, हल्का रहा अंदर ढक्कन हमें दे दो तो कढ़ाई पर ढक दे, कीमा गल जाए, ठीक है? ढाकना वाला, हाँ इसका है वही स्टील वाला। चलो, तो समोसा बहुत पसंद है तो इसलिए उनके लिए थोड़ा हमने जीरा डाल दिया है, और ये दरदरा वाला मिर्चा थोड़ा डाल देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो तीखा ज़्यादा हो जाएगा। तो काटना भी बहुत पड़ता है ना, सलास काट लिया, और चटनी के लिए भी अभी चटनी में पुदीना है, धनिया डाल के बनाना है, और प्याज काटेंगे, अंडे की भुजिया बनानी है अभी, और पकौड़ी की प्याज काटनी है, और इतना हमने सलाद जो है प्याज वाला सब काट के रख लिया इतना, और चटनी तो अभी पीस लेंगे। धनिया इतनी काट दी है, अभी भुजिया बनाएंगे अंडे की, उसमें डालना है, और ये समोसे वाला थोड़ा सा और गल जाए, पेदी में लग रहा था तो थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो कूट दे खूब, ताकि जब समोसे के कोखे में भरेंगे तो ऊंचा नीचा बनेगा, मोटा मोटा हो गया कीमा ना, तो कूट देंगे तो बारीक हो जाएगा खूब अच्छा, ताकि हमको समोसे के जो कवर बनाएंगे उसके अंदर जब भरेंगे ताकि ऊंचा नीचा ना रहे, एक बराबर का रहे। सही सही, अब सही हो गया, बहुत मोटा मोटा था ना, इसलिए कूच दिया इसको। अंडे की भुजिया बना रहे हैं,
इधर भी बर्तन है, आरजू ले लिया। सर्दी की दवा ले लो, सर्दी वाली दवा ले लो, रोजे के बाद खा लियो। अच्छा, सर्दी नहीं चाहिए होती, एलर्जी की ले लो, उससे भी नहीं सही होती, उससे भी ना सही होती, एलर्जी वाली से भी तो डॉक्टर साहब जहाँ की दवा करो ना, उनसे कहो एलर्जी की दीजिए डॉक्टर साहब, वैसे ही तो अब ना एक एक महीने से परेशान रहे, अब जाकर बंद नहीं है। हाँ सही। दाल उनकी अम्मा ना खाती। हाँ अच्छा, गोश्त चाहिए। हाँ हम लोग का कोई मसला नहीं, कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, मगर यहाँ हम लोग के यहाँ इनके अब्बू हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, ये लोग नहीं खाएंगे, ये लोग मतलब ऐसा चाहिए तो चाहिए। हम भी कुछ भी रहा तो खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और सही। अच्छा क्या करेगा इंसान, मजबूर है। हाँ तो आज दाल बनी हुई है ना, अंडे की भुजिया है, दाल है। हसीर की इनके अब्बू तो गए, अजान दे दिए। उनको बहुत शौक है ना अजान देने का, इनके अब्बू को कहते हैं हमें अजान देना ये सब अच्छा लगता है। लाओ फटाफट एक एक करके समोसा भर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नमाज के लिए, असर की नमाज पढ़ लेते हैं, ताकि ये वाला काम हमारा ख़त्म हो जाए, भरने वाला। आराम से नमाज पढ़ लेंगे अपनी, बस छानना रहेगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें पैक वैक करने में ना। अबू तिलावत करने गए का अदनान? पकौड़ी हम छान दिया है इतनी, क्योंकि कोई खाता नहीं है, समोसा लोग पसंद करते हैं, वो भी अब अफ्तारी बहुत सब कम खाने लगा, अब अफ्तारी नहीं कोई खाता ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं खाते अफ्तारी। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत खाए थे, अब कम कर दिए। समोसा फूल रहा, मोटा मोटा हो रहा फूल के।
तो फूल फूल के मोटा हो जाए, मोटका समोसा, मोटा वाला समोसा हो जा रहा। पता नहीं उबैद कहाँ गए। दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज सुनाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज। है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज़। हमारी माशाल्लाह अफ्तारी लग चुकी है, अजान का इंतज़ार हो रहा है। अजान हो जाए तो रोज़ा खोला जाए, अभी उबैद नहीं आया है। अल्लाह जब से हम दुआ मांग लेते हैं तो अबू ले जाएंगे मस्जिद में अफ्तारी ना, तो खजूर ले जाएं, खजूर रख दें और ये रख दें और ये रख दें, चिमोशा रख दें और क्या रख दें, और मीठा वाला ले जाएंगे अबू, पकौड़ी रख दें, इस पे हम रख दे रहे, दिख नहीं रहा हमको ये सब। अदनान अब्बू को बुलाओ, क्या क्या रहेगा हमको नहीं पता, मीठा जाएगा कि नहीं। एक ही प्लेट में सब अजीब हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है। मस्जिद में प्याज खाई नहीं जाएगी, खीरा तो खाया जाएगा। मस्जिद में मना है, लहसुन और प्याज नहीं खाई जाती, खीरा खा लेंगे। हाँ मस्जिद में मना है भाई, ये जो है ना अब्बू को पूछो मीठा खाएंगे अब्बू, अगर मीठा खाएं तो रख दें, मैंगो शेक ले जाएंगे दे दें ये वाला। हाँ पूछ लो बुला के, अरे हम अजान देंगे तभी ना और हाँ, शुरू करेंगे, अगर हम लोगों का अजान के साथ है ना, या निकाले हैं और दे मीठा दे दें, इसमें मैंगो शेक ले जाएंगे, मैंगो शेक दें जो आया मार्केट से, बस हो गया मीठा रख ले, मीठा जैसे समझो जो हाँ छोटा वाला है, खजूर दे तीन चार टुकड़े, मीठा रख दे, खजूर रख दिया है, खजूर कम रहती है ना, ढक्कन लगा दे इसका, मीठा रख दे, और कौन सा मीठा, वही छेना, खजूर और लेना है और दे दे, बस हाँ नहीं इतनी बहुत है, और ये गिलास ले लो, यही वाला ले लो, हाँ थोड़ा सा मैंगो डाल दे रहे हैं, मैंगो शेक नहीं, मैंगो कौन पी रहा, नहीं पीते, ई दे दो अब्बू को गिलास, बहुत पसंद है वाला डिस्पोजल वाला। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अभी हम अजान देंगे तब इफ्तार शुरू करें। हाँ ठीक है, हो सकता है नमाज भी पढ़ाएंगे हम। अच्छा हाँ ठीक है, पानी देख रहे हैं, गई हाँ चीनी है, अजान हो गई, रोजा खोलने दो चम्मच मिलाओ, पानी गिलास में दो, ठंडा ठंडा गर्मी ना गर्म, बस अब तो गए जान देने, अब कह रहे खाना भी हम ना जाएंगे खाए, तू जा खा लो, पजामे के साथ रखा जाएगा तब सही सेट रहेगा, नया कुर्ता एक पजामा आगे पीछे इधर उधर हो गया, पुराने में नया नया पुराने में हो गया, हम बता रहे हैं ना इतना पजामा मिला हमको, हुँ? ये मिला, हुँ? ये है
पुराने वाले का नए में आ गया था, नए वाले का पुराने में चला गया था। इसका अब इसका यहाँ से ढूंढना होगा। इसका देखो तो ये वो पुराना है ना, यही है, यही स्टार है, देखे देख लिया, यही है। ये हो गया, एक नया आया है। उसमें कौन सा पैजामा लगा है, नया पुराना ही लगा है ना कि नया लगा है? ये तो पुराना कुर्ता है। हाँ तो पुराना अब वही सेट हो जाए, वो नए में पुराना हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है फिर, यही है। तो फिर उस हिसाब से कलर का अलग अलग फर्क हो जाएगा। और इसमें एक कपड़ा और है, कुछ छोटा छोटा प्रेस है, कुछ लंबा लंबा कर दिया प्रेस की तार। यहाँ वाले ने किया है। हाँ तो इसकी तार अलग है, उसकी तार अलग है। चाय ठंडी हो रही है अभी, हम भी नहीं चाय पीले। बर्तन उतार के सब जमा हो गए हैं, अब चल रहे हैं। आटा गूंद लिया है और सारे बर्तन को खाली कर दिया, इसको धुल लेते हैं। और उसमें पुलाव था, गरम हो रहा है। देखें बर्तन धुल गया। आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड कर देती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।